नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सरिता वाघमारे पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट पीसफुल एज्युकेशन या चॅनलवर स्वागत करते. तुम्ही बघत आहात अमरावती येथील ठिय्या आंदोलन. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बोल मेरी बहना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, लेके हल्ला बोल, हल्ला बोल, लेके हल्ला बोल, हल्ला बोल, लेके हल्ला बोल, हल्ला बोल, शासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मेरी बहना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मेरी बहना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आवाज दो आम्हाला ड्युटी लागू करावी ही आमच्या प्रमुख तीन मागणी आहे. आणि वारंवार आम्ही मोर्चे वगैरे काढूनही सरकारने आमची दखल न घेतल्यामुळे हा आम्हाला पवित्रा उस्तावा लागला. आज 4 तारखेपासून आम्ही संपवर असून अद्यापही आम्हाला लेखी कोणतं आश्वासन दिलेलं नाही आहे. परत शासन आम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहे, आम्हाला नोटिसा देत आहे, त्याचीही उत्तर आम्ही देत आहे, पण जोपर्यंत आम्हाला लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही. यापेक्षाही तीव्र करण्याची जर आम्ही अरुणा देशमुख अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी नहीं आए. किसी को सबको पता है कि अपन 1-1.5 महीने से पूरे मोर्चा में जा रहे, कोई मुंबई जा रहे, कोई नागपुर जा रहे, सभी जा रहे. जिनको नहीं जम रहे वो नहीं रहे, आ रहे, बाकी सब लोग आ रहे. तो इसी के साथ हमारे पैसे जो वाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए आज हम नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे. तो इसीलिए जो भी अपना भोजना है, जो भी अपन कहीं भी जाते तो एकदम धूल नहीं चुंगारी चुंगारी के जैसे हमारी जज्बा दिखाओ. नहीं तो अपन बस आ रहे मोर्चा में, कहीं बात कर रहे कुछ, तो अपना कुछ नहीं होगा. अपन आप तो हमेशा करेंगे, मगर यहाँ से इधर जो अपना जो भी निर्णय नहीं लगा तो अपन कितने काम करेंगे. मतलब कोई भी काम ने गवर्नमेंट ने बताया तो अपन करने के लिए सक्षम है. तो उसी तरह अपना जो ये लड़ाई है वो लड़ाई को सक्सेसफुल करने के लिए अभी लड़ेंगे. अभी अपने पास चांस है, बाद में चांस नहीं है. तो अपने साथ यूनियन, इतनी बड़ी यूनियन है, वो यूनियन अपने साथ है. तो तुम लोग ने मतलब भीड़ नहीं छोड़ना. कोई कोई सेविका घबरा के आंगनबाड़ी शुरू कर रहे, ग्रुप में फोटो डाल रहे. अरे उनको समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने सारे भाई लोग, किसी की जान जा रही, कोई मर जा रहे, उनके घर के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही. ये चालू जो मेरी सेविका मोर्चा में है वो सेविका ने जानना चाहिए. यहाँ पे सेविका दूर दूर से आके लड़ रहे और वहाँ पे हम आंगनबाड़ी खोल रहे, तो कितनी शर्म की बात है. लड़ने के लिए आ रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे कहीं से भी ढूंढ के ला रहे और मोर्चा में जा रहे. तो उसी लिए परिस्थिति देखो और सब उगरे, सभी उगरेंगे, मैं उगरेंगे, सभी उगरेंगे. वो जब तक अपना निर्णय लगता नहीं तब तक महिलाओं ने धीरे धरना और किसी ने ऐसा किसी के मन में लगता होगा तो मेरे को निकाल देंगे तो मैं क्या करूंगी. वो बांधू जो ऐसे विचार करेंगी काम अपना है. तो अपन जब शेर नहीं बनेंगे तो कब उठेंगे वो. मैं तो शेर के शेर रहेंगे. तो इसीलिए ऐसा सरकार से खड़ा है.